प्लास्टिक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, इन सब से रिलेटेड केमिकल्स के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स बैठे हुए हैं। वर्कफोर्स जनरेट होगी पाकिस्तान में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम एक्सपो सेंटर में और यहां पर केमिकल्स के हवाले से एक एक्सपो का इनकाद किया गया था जिसमें मुल्क भर के जो इम्पोर्टर्स हैं केमिकल के, आप कह लें कि माहरीन जो कह लें, उनके एक गुलदस्ता सजा है जिसके अंदर मुल्क भर के केमिकल्स जो माहरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और किन किन जगहों पर और किन किन एशिया में ये केमिकल इस्तेमाल होते हैं ये हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असकर हसन साहब और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये केमिकल्स तैयार किए जाते हैं और एक्सपो का मकसद क्या है इस इंडस्ट्री को यहाँ पर जो है वो लाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब, केमिकल की इंडस्ट्री आपकी है, सारे जो इस शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, केमिकल सारा पाकिस्तान में बनता है या बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली पाकिस्तान पेंट इंडस्ट्री के जो केमिकल्स हैं वो सारे बाहर से इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे टाइटेनियम यूज़ होता है, पिगमेंट्स होते हैं, रेजन्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो हम बेसिकली ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सारे सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं डिफरेंट मुल्कों के, डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर, चाइनीज़ भी आए हुए हैं यहाँ पर और भी डिफरेंट ममालिक से लोग आए हुए हैं। अभी आपने बात की कि पेंट के अंदर ये केमिकल की जो एक्सपो है, यहाँ पर आप लोगों ने एक मेला सजाया हुआ है कि तमाम एक गुलदस्ता बन चुका है यहाँ पर एक्सपोर्टर्स का, केमिकल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका। ये सिर्फ पेंट में इस्तेमाल होते हैं या दूसरी चीज़ों में भी, ये पेंट के हवाले से खसूसी तौर पे है या मुकम्मल आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर केमिकल यूज़ हो रहा है उसके हवाले से? ये बेसिकली कोटिंग्स के हवाले से है, इसमें यहाँ पर पेंट से रिलेटेड, प्लास्टिक से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, इन सब से रिलेटेड केमिकल्स के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, तो यानी कि पाकिस्तान के अंदर केमिकल के इस्तेमाल जहाँ जहाँ पर है ये वही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्यों तैयार नहीं किया जा रहा है केमिकल, इसकी क्या वजह है कि हम चाइना से जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल, इसको जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाए तो लागत भी कम है, ख़र्चा भी कम है, और फिर उसके बाद बाकी उसकी आगे से सेल परचेज़ में भी कमी आएगी? इसकी मेन वजह तो ये, अगर हम एक सिर्फ एक केमिकल को पकड़े जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, उसकी जो एक दिन की प्रोडक्शन है वो पूरे पाकिस्तान के पूरे महीने की कंजम्पशन को पूरा कर देगी, यानी वो कंपनी एक दिन चलेगी, अगर वो फैक्ट्री एक दिन चलेगी तो पाकिस्तान पूरे महीने तक उसकी सप्लाई पूरे पाकिस्तान में चलती रहेगी, तो वो फिजिबल नहीं है पाकिस्तान में ओपन करना, इसलिए वो फिर चाइनीज़ फैक्ट्री ओपन होती है और वहाँ से फिर हम इम्पोर्ट करते हैं। यानी कि फिजिबल नहीं है अभी। इसमें इस एक्सपो का मकसद क्या है? आपने एक्सपो लगा ली, अब मुझे पता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स आ गए आपके मुताबिक, तो मकसद क्या था कि इस तरह इकट्ठे करने का, नए लोगों के लिए क्या यहाँ पर बेनिफिट्स हैं? बेसिकली इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान जो कोटिंग इंडस्ट्री, उनको सबको यूनाइटेड करना और उनको यूनाइटेड करके पूरी दुनिया में पैगाम पहुँचाना कि हम कोटिंग इंडस्ट्री की तरफ सीरियस हैं और हम इसमें काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, नेशनल लेवल पर तो समझ लग गई लोग आए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोग आए आपसे कुछ, यानी कि अपनी ऑफर्स हुई आपको? जी, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे हैं, हम बेसिकली यहाँ पर ट्रेडर हैं, हम बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर, एजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज़ की, तो यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज़ भी आए हैं, यूरोपियंस भी आए हैं, जिन्होंने हमें ये ऑफ़र किया है कि आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लें और पाकिस्तान में हमारे हमारे ब्रांड को, हमारे केमिकल्स को भी लॉन्च करें। अगर यही इंडस्ट्री आपके मुताबिक के पाकिस्तान के अंदर नहीं लग सकती, लेकिन अगर लग जाए, अगर कोई आप जैसा ही बिजनेसमैन इसको सोचे, तो पाकिस्तान के लिए मौईशी तौर पर इसके क्या बेनिफिट्स हैं? पाकिस्तान के लिए मौईशी तौर पर तो बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद मुख्तार होगा, पाकिस्तान में वर्कफोर्स जनरेट होगी, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन ये फ़िलहाल जैसे मैंने आपको पहले बताया ये इतना फिजिबल नहीं है, लेकिन आइंदा हो सकता है आने वाले वक्त में ये फिजिबल हो पाकिस्तान के। इस पर कोई काम जारी है? जी, इस पर काम जारी है गवर्नमेंट, लेकिन पाकिस्तान की कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन भी इतनी बेटर नहीं होती है कि जो है ना पाकिस्तान में इस तरह के काम को इतनी जल्दी किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री, डॉलर के फ्लक्चुएशन, डॉलर रेट फ्लक्चुएशन और मुख्तलिफ उसमें मसाइल हैं, लेकिन इस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में कुछ इसमें बेटर होगा। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री अभी फॉल नहीं है, अब आपने ही बात की कि पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं वो भी कोई इतनी लाइक आप कह लें कि साथ देने वाली नहीं है आपके मुताबिक, लेकिन आप जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं फिर पाबंदियां भी आती हैं, जैसे एक पिछला दौर गुजरा जिसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर आप कह लें खसूसी कि चीज़ें बैन कर दी गई थी, तो उससे फिर जो एक्सपोर्टर है वो तो नुकसान में जाएगा। बिल्कुल ज़ाहरी बात है, एक्सपोर्टर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते थे, अब इस वक्त एक्सपोर्टर नहीं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ कुछ ऐसी नहीं है और डॉलर के रेट्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम एक्सपोर्टर को बहुत नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि हम बाहर से इंपोर्ट करने में ज़्यादा ईजी हैं यहाँ पर मैनुफेक्चर, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्ट्स के ऊपर भी पाबंदियाँ लगती हैं ना कि आप बाहर से मंगवा नहीं सकते। जी बिल्कुल, इंपोर्ट्स के ऊपर भी बहुत सारी पाबंदियाँ लगती हैं कि बाहर से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन फिर भी वो बेटर है एक्सपोर्ट्स की नस्बत, एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा पाबंदियाँ हैं हमारे पर। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, ये असगर साहब थे और बता रहे थे हमें इस सारी एक्सपो का मकसद और अपने मसाइल से भी आगाह किया, लेकिन दुआ करते हैं कि इसी तरह के इकदाम जो हैं वो होते रहें ताकि पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के जो मसाइल हैं वो हल हों और एक नई इंडस्ट्री आए जिससे एक रोज़गार जो है वो लोगों को मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।